बीबी रोशनी अच्छी नहीं लगती राबिया, अंधेरा रहने दो। क्या हो गया है बीबी? आपने ही तो हमेशा कहा है ना, अंधेरा ना होता तो रोशनी भी ना होती। घटाएं कभी कभार काली होती हैं, भयानक होती हैं, लेकिन उनके पीछे से एक चमकती हुई किरण खुशियां फैला देती है बीबी। लगता ये किरण नहीं निकलेगी। लगना ना लगना एक और बात है, लेकिन कोशिश ना करना ये तो गलत है ना बीबी। आने दे रोशनी को अंदर। बीबी अरमान नीड्स यू, उसको आपकी जरूरत है, उसमें भी आपकी वाली ताकत है। उसको आपकी जरूरत है बीबी, वो आपकी बात सुनता है, आपकी बात समझता है। मुझे तो लगता है ये सब कुछ जो हुआ है बेहतरी के लिए हुआ है। अच्छा हुआ ना सब कुछ खुल के सामने आ गया। बस आज रोलें बीबी, बस हम सबको आपकी जरूरत है, आप हम सबकी ताकत है, प्लीज रो लें। अभी जितना रो रहे हैं रो लें। मेरी आंखों में देखो इन्हें, क्योंकि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा और सच आंखें चुरा के नहीं कहा जाता। मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूंगा। तुमने उस दिन जो कुछ सुना वो सच है, लेकिन अगर मैं यहां इस वक्त यहां पे मौजूद हूं तो इसमें सिर्फ वो सच शामिल नहीं है। साथी सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई था, और इस सिचुएशन तक पहुंच के मैं उसके कातिलों को आजाद नहीं घूमने दे सकता जो कि अब काबू में है। और मेरी हर सांस सादी के इंसाफ की कर्जदार है। सरवर खान पकड़ा गया, जीत हमारे कदमों में। जैसे ही जीत सादी के नाम हो जाएगी, तुम जितना दूर चाहो कि मैं चला जाऊंगा। पुलिस स्टेशन जाना होगा। इसकी जुबान खींच के खुलवाओ, लेकिन खुलनी चाहिए। रहम खा रहे हो मुझ पर या दोस्त के लिए कुर्बानी दे रहे हो? यही कर रहे हो? ये सब कुछ करके तुम सबकी नजरों में अजीम बनना चाहते हो? हाँ, करना क्या चाहते हो?
क्या सोचा है तुमने? मैंने सोचा मैं चला जाऊंगा, शादी का केस जैसे खत्म होगा चला जाऊंगा। कहां जाओगे? चाइना, वहीं पे था ना, मैं बिजनेस कर रहा था, उसके लिए आया था मैं सब काम के बाद वापस। तो वो हार मान गए? प्यार में हार जीत क्यों होती है, प्यार में तो बस प्यार होता। चलिए एक बात बोलो, माइंड तो नहीं करेंगे? कहो। आप मेरे और रेमन के लिए तो कुछ नहीं कर पाए, चाची के लिए सोचिएगा। मैंने अपनी तरफ से पक्का काम करवाया था, लेकिन पक्का होता तो ये नहीं होता बिलाल। लेकिन सर आपका हाथ तो है ना हमारे सर पर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर कुछ करें, इलेक्शन सर पे हैं। फिलहाल तो कुछ नहीं कर सकता, इसको कुछ किया तो और फंसोगे, याद रखना। बस दुआ ये करो कि वो जबान ना खोले। लेकिन सर फिर भी कुछ तो, ऐसे हालात में कुछ नहीं कर सकता। अच्छा सर वो एसपी साहब को जरा देख लें, बड़े गुस्से वाले हैं, कुछ ट्रांसफर वगैरह हो जाता तो। देखता हूं। ओके। मैं छोड़ देता हूं। सबके सामने तुमने मना नहीं किया और दुनिया के लिए ही सही, लेकिन तुम मेरे साथ आके बैठे। किसी के साथ बैठ जाने से साथ हो नहीं जाता। जानता हूं। मुझे इस बारे में भी कोई बात नहीं करनी। ओके। Thank you.
एमन को अकेला मत छोड़ना। दिल डरता है, आज हूँ कल नहीं, अकेली ना रह जाए। जाने का क्यों कह रहे हो? डैडी ने बता दिया। मेरे बच्चे मुझसे कुछ छुपाते नहीं है। मेरे दूर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दूर रह के भी उसके पास रहूंगा। ये हकीकत नहीं है, जिंदगी में साथ रहना जरूरी है, वरना रिश्ते धुंधले हो जाते हैं। रिश्ता तो सिर्फ मेरा है ना, उसको क्या फर्क पड़ता, उसका थोड़ी ना। कोशिश करने से तो खुदा भी मिल जाता है, कोई नई बात नहीं है, सब कहते हैं, सबने सुना है। सुना है, लेकिन क्या है सच? कोशिश सच्ची होनी चाहिए और उसमें ना उम्मीदी की मिलावट नहीं होनी चाहिए। कोई काम था अरमान? नहीं, रोहान को प्यार करने आया हूं। क्या हुआ अरमान, ऐसे क्या देख रही हो? आज रोहान अच्छा नहीं लग रहा मेरे पास। मैं मामा के पास वेट कर रहा हूँ, रेडी हो जाओ तो आ जाओ। सारी पेमेंट्स आ गई, ये डोनेशन के चेक भी आ गए, इसमें एडजस्ट करवा दें। इसी कॉपी में आपको दे दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऐसे क्या देख रहे हैं इस पे साहब? सब खैरियत है ना? आप जानती हैं क्यों? बताएं प्लीज। क्या जरूरत थी बयान देने की आपको? जरूरत तो थी एसपी साहब। राजा साहब आप भी? हम सब। अब देखते हैं कि आपका ट्रांसफर कैसे होगा। वैसे भी हथकंडे पुराने हो गए हैं एसपी साहब, मीडिया में बहुत पावर है। लेकिन ये बयान दे के आपने उनसे खुली दुश्मनी मोल ले ली। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस ये चाहती हूँ कि सादी को इंसाफ मिले, उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। एमन, अगर आप जैसे सब बहादुर हो जाएं तो खुदा की कसम ये दो दो कौड़ी के गुंडे गुंडा गर्दी करना छोड़ दें। ओह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। दफ्तर से आ रही हो? जी। ये आपके लिए। ये क्या चीज़ है? हलवा है, राबिया चाची ने भिजवाया है, आपको पसंद है शायद। उस दिन बात हो रही थी तो मैंने जिक्र कर दिया था, लेकिन हाँ पसंद भी है। बस जिक्र करना बहुत होता है ना हुसैन अंकल। थैंक यू। मुझे क्यों थैंक यू कह रही हो? राबिया चाची की जिंदगी में वापस उम्मीदें और मुस्कुराहटें लाने के लिए। थैंक यू तो मुझे तुम बच्चों को कहना चाहिए, तुम तीनों ने उसको बहुत सपोर्ट किया। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, जैसे ही एमन का केस फाइनल होगा ना, मैं और भाई डैडी से बात करेंगे, फुल एंड फाइनल। तुम तीनों टेंशन ना लो, सलमान भाई से मैं खुद ही बात कर लूंगा। अच्छा ठीक, मैं अब चलती हूँ, घर पहुँचना है। कॉफी चाय कुछ पी लेते फिर कभी। आर यू श्योर? या या, थैंक यू। थैंक यू। Thank you for the halwa. No problem. See you soon. Khuda hafiz. Khuda hafiz.
क्या हो रहा है वकील साहब? कहीं आप मुझे ये मत कह दीजिएगा कि आपकी बेल नहीं हो सकती क्योंकि मीडिया बहुत स्ट्रांग है। नहीं सर, अभी भी देखे कार्रवाई हुई है ना, वरना वो आ गए थे आपको उठाने। कैसी फजूल की बातें कर रहे हैं आप यार। सर गेम खराब हो चुकी है, आपके बाहर जाने पर पाबंदी लग चुकी है, अब सिर्फ केस चलेगा। और आप क्या करेंगे? मैं तो आपका खादिम हूं ना सर, मैंने तो आप ही का साथ देना है, चाहे कोई और दे या ना दे। सर्वर ने क्या बयान दिया? उधर से तो बहुत खामोश, लेकिन बड़ी होशियारी से कार्रवाई हो रही है। बस एक काम करना होगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैंने आपका शुक्रिया करने के लिए फ़ोन किया। किस चीज़ का थैंक्स? आपने मेरे लिए इतना मज़ेदार हलवा भेजा। हलवा जी? नहीं, इट्स ओके, अगली बार भी बनाएं तो ज़रूर भेजिएगा। जी ज़रूर। वो इस वक्त मैं कुछ काम कर रही हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल कर सकती हूँ? ओके, खुदा हाफ़िज़। बुआ का आइडिया था, मुझे तो पता भी नहीं है उनको ये हलवा पसंद। बुआ को आइंदा मैं कोई बात नहीं बताऊंगी। तो क्या हो गया, प्यार में थोड़ी मिठास ही तो बढ़ाइए। छिछोरपन की हद होती है फरियाल। हाय क्यूट लग रही है शर्माते हुए। अच्छे तो है, नहीं आपको भी चल। अच्छा बस बस छिछोरपन, बस ये मुझे भी दे दो। हां दे रहे। तुझे सला के जागती रहूं, तुझे हंसा के देखती रहूं, तू है मेरा सितारा, मेरी हर खुशी, तू है मेरी जान, तू है मेरा अरमान। राबे चीची, कपड़े मैंने यहाँ रख दिए हैं, इसमें डायपर भी है, फीडर भी है, वाइप्स, ये पाउडर। एमन। एमन जी जी, तुम्हें याद है परसों क्या है? क्या है? तुम्हारी और अरमान की सालगिरह है। हर साल तुम वहाँ होती थी और वो यहाँ होता था। तुम्हारे लिए मैंने उसका इंतजार देखा है एमन, उसका प्यार देखा है। इस साल तुम दोनों साथ नहीं मना सकते। राबे चाची, मेरी क्या खुशी है? मेरी कोई खुशी नहीं है, मेरी खुशी सिर्फ शादी से थी। अपनी बात का खुद ही जवाब दे दिया तुमने। तुम्हारी खुशी शादी के साथ थी, अब है? मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीखो। मेरा शौहर जवानी में मर गया, मैंने अपनी सारी खुशी उसके नाम करके अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। किसके लिए? अपने लिए तो नहीं, लोगों के लिए। मैं किसी और आदमी के साथ खुशी कैसे ढूंढ सकती थी? लोग क्या कहेंगे? ऐसे क्या देख रही हो मुझे, मैंने कुछ गलत कहा है? हाँ मेरे शौहर मर गए, तो क्या मेरी खुशियां मर गई, मेरा दिल मर गया? मैंने अपनी जिंदगी गुजार दी ये सोचते सोचते कि दूसरे लोग मुझसे क्या चाहते हैं। किसी ने मुझसे पूछा नहीं, मुझे तो कोई समझा ही नहीं, लेकिन तुम्हें कोई समझता है?
रुहान को एक बाप मिल जाएगा एमन, तुम्हें जीने का एक साथ मिल जाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आता। ठीक है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, अपने दिल पे हाथ रख के कहो कि अरमान के लिए तुम्हारे दिल में कुछ भी नहीं है। हाथ रख के बोलो मुझसे, नहीं कह पा रही ना, तो सोचो तो इसके बारे में। कहाँ है सारे लोग? अच्छा नहीं, उसने एश्योरेंस दी थी कि सब लोग आएंगे। कहाँ है सब लोग? सर आने वाले, तुम्हारे जनाजे में आएंगे क्या? शुक्रिया अदा करें वो कम है। आप लोग हमारे साथ शादी को इंसाफ दिलाने के लिए जो खड़े हुए हैं, कल यही इंसाफ एक मिसाल बन जाएगा। हम आम आवाम हैं और जब आज आप लोग इसके साथ जुड़े हैं तो मैं उम्मीद करती हूं और दुआ करती हूं कि हम और आप मिलकर शादी को इंसाफ जरूर दिलवाएं। ये हौसला कर दें यार, दुआ मांग लिया आपसे बेटा। मुझे यकीन है वो जल्द ठीक हो जाएगी। मैं उसे ठीक होना होगा बाबा। सुना है आपने उसको पकड़ लिया? पकड़ लिया था, वहीं धर लिया था, लेकिन उसने अपने आप को खत्म कर लिया। ये सब कुछ प्लान था सर। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो मर गया, और हमें अब कैसे पता चलेगा कि इस सब के पीछे कौन था? पता है, सब कुछ पता है, लेकिन सबूत कोई नहीं, सारे सबूत मिटा दिए गए। मगर वो सबूत जो आपके पास है उसको फिर आप संभाल के रखिएगा, ऐसा ना हो कि जेल की सलाह के पीछे वो बगैर कोई बयान दिए मर जाए। नहीं,
अब ऐसा नहीं होगा। थैंक यू। जाओ। बीबी आप चलेंगी मेरे साथ अस्पताल? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। दादू प्लीज ऐसे मत करें, उसको चल के एक नजर देख तो लें। वो मुझे मिलके गई थी और वापस भी खुद ही मिलने आएगी। बस बहुत हो गया, अब मेरी कोई औलाद मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जाएगी। और फरियाद मत करो ऐसी बातें कि एक नजर उसको देख लें। वो वापस घर आएगी और मैं तब उसको देखूंगी। भाभी आप चलेंगे? नहीं। मामा उसने भाई के बस उसने अपने हिस्से की गोली खाई है, जो शायद अरमान को लगनी थी। सर आप आग से क्यों खेल रहे हैं? आग से मैं नहीं खेल रहा, आग से वो खेल रही है। ये बात ज्यादा उलझ सकती है। अब क्या उलझेगी, जो कातिल थे वो तो पकड़े गए, अब किसी ने क्या जानना है। सबका शक आप पर जा रहा है। वकील साहब कानून शक वक को नहीं मानती, उसे सबूत और गवाह चाहिए होते हैं। किस किस्म के लॉयर हैं आप? सिचुएशन को आप बहुत हल्का ले रहे हैं। मैं जो कर रहा हूं सोच समझ के कर रहा हूं, कच्ची गोलियां मैंने नहीं खेली हैं। आपसे कुछ नहीं होने वाला, मैं खुद देख लूंगा। इस बार सर्वर भी जाएगा। जेल के अंदर बहुत मुश्किल है। जेल के अंदर जेल के बाहर सब कुछ सेट है। आपसे कुछ नहीं होगा, मैं खुद कर लूंगा। ये सीट मुझे चाहिए। इस वक्त आपको ये सीट मिलना बहुत मुश्किल है, हालात आपके फेवर में नहीं है, हार ही समझे। बकवास बंद करें आप अपनी। हार को जीत में कैसे बदलना है मैं अच्छी तरह से जानता हूं, समझे आप। मुझे पता है कि एमन सही हो जाएगी। मैं ये भी जानती हूँ कि गोली की सिर्फ खराश आई है बाजू पे, लेकिन डॉक्टर्स ने सेडेट क्यों किया हुआ है उसको? जो ऐसे मौकों पे डॉक्टर्स ये ख्याल भी कर रहे होते हैं कि उस वाकये से ज्यादा उसका जो शॉक होता है वो असर कर जाता है। सो मे बी इट्स अ बेटर आइडिया टू सेडेट। इंशाल्लाह सब ठीक होता है। और ये कोई तकल्लुफ वाली बात नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत हो किसी भी वक्त आपको फोन करना है। थैंक यू सर। बेटा थोड़ी देर के लिए सही घर चलो, थोड़ा सा आराम कर लो। नहीं डैडी, मैं तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक एमन को होश नहीं आ जाएगा। बेटा हिम्मत से काम लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। नहीं, इसी तरह शादी मेरे बाजुओं में था, वो मर गया बिल्कुल इसी तरह, मैं उसको नहीं बचा सका। और अब एमन, गोली मुझे लगने वाली थी, उसने मुझे कवर किया, गोली उसको लग गई। वो ठीक हो जाएगी बेटा, खुदा का शुक्र है कि वो बच गई। तुम तो हिम्मत से काम। खैरियत? अभी चुप हुआ है, ना दूध पी रहा है ना खा रहा है ना सो रहा है, बस रोए जा रहा था। तुम परेशान मत हो, मैं आ गई ना, मैं देखती हूँ। तुम्हें पता है मैं हॉस्पिटल भी नहीं जा सकी दोबारा एमन को देखने। स्टॉप वरिंग, तुम जाओ उसके पास, मैं इसको घर ले जाऊंगी अपने साथ। शो हाँ, और अगर इसने रोना फिर से शुरू कर दिया तो? कोई बात नहीं, बहला लूंगी, परेशान हो रहा होगा ना बेचारा, है ना। माँ और बेबी का रिश्ता ही ऐसा होता है। ये जो महसूस कर रहा है वो हम थोड़ी कर सकते हैं।
चले रोहन ये लो तुम उसको थैंक यू चलो आपका बैग लेते हैं लेट्स गो आप ठीक कह रहे थे बाबा मुझसे गलती हो गई अभी तो बेटे के साथ होने वाला था बेटी के साथ ना जाने क्या क्या लिखा मैंने बोला था उसको लेकर आओ दोनों को लेकर आओ लेकिन नहीं वो नहीं माने होंगे क्या हो सकता ये तो मेरे दर लाई जो बचत हो गई बाबा कुछ करे मेरे बेटे को और कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए मैं उसे नहीं ला सकी लेकिन लेकिन आप उसके लिए दुआ कीजिएगा वो नहीं आएगा इंशाल्लाह करूंगा जरूर करूंगा लेकिन मैं अपनी बेटी को लाऊंगी जरूर लाऊंगी बाबा सिर्फ दुआ है बाबा किसी को बदुआ नहीं देता मैं दुआ करूंगा नहीं बाबा मैं उसे जरूर लाऊंगी जल्दी लाऊंगी मैं अपनी बेटी के साथ अब कुछ और बुरा नहीं होने दूंगी रजा क्या कर रहे हैं आप यहां क्या सोच रहे हैं क्या करूं कहीं दिल ही नहीं लग रहा पहले बेटा चला गया था और अब बेटी खुदा ना खास्ता कहीं नहीं गई वो रजा उसको कुछ नहीं होगा डॉक्टर उसको होश में नहीं ला रहे भी हम ड्रग ड्यूरेशन रखेंगे फिर कोई फैसला करेंगे क्या करना है जब तक उसकी सांसें चल रही हैं ना तब तक उम्मीद को जिंदा रखना है हमें रोहन क्या कर रहा है राबिया के पास है लेकिन वो कह रही थी कि तंग कर रहा हूं सब ठीक हो जाएगा